ईद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर आज इस तरह से यहाँ पर रश लगा हुआ है और राशन लेके जा रहे हैं, गोश्त लेके जा रहे हैं, तो यकीन कोई ऐसे प्लान कोई ऐसी चीज सामने नहीं देखी जा रही जैसे कि आया के लोगों तक जो है कारोबार में मैसर आ सके, लोग कारोबार कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिर्फ इतनी सी बात मैं कहूँगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसके वादे लोगों ने किए थे। जो काम करने से मुझे रोका जा रहा है वो इसलिए रोका जा रहा है कि अगर ये वादे पूरे हो गए तो लोगों की चट्टी कुली जो है वो खुल जाएगी। मकसद एक है, लोगों को बुनियादी हकूक दबाना, इन दोनों चीज़ों पे काम होगा। अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, मैं हर वो बात बताऊँगा जो आवाम के लोगों के हक में है। अगर ये जो यूथ है, ये जो नौजवान है, अगर ये किसी दूसरे मुल्क में होते तो ये महीनों के लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, लाखों रुपए। इनको यहाँ पर मजदूर बना दिया गया है, मजबूर बना दिया गया है, इनको कैदी बना दिया गया है और अपनी हुकुम और अपनी जो कहते हैं उसके ऊपर नचाया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला अवाम को बताएंगे कि आज़ादी क्या चीज़ होती है और उनका जो हक है वो उन तक कैसे पहुंचेगा। आईटी के जो लोग कोर्स करा रहे हैं उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा, काफ़ी तनकीद का सामना हमने भी सुनी है कि आप फ्री में करा रहे हैं, यकीन करा लेंगे या नहीं कराएंगे, तो उनको वक्त के फ्री में कैसे करा रहे हैं? देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात जब मदद करती है ना तो हर काम हो सकता है। ये तो बहुत छोटे से काम है जो मुझे लग रहे हैं, ये 1 लाख राशन छोटी सी चीज़ है, ये 1 लाख लोगों को आईटी कोर्स कराना बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो बजट मिलता है अगर उसका आधा भी मुनसिफाना तरीके से खर्च हो तो सबके घरों में लाखों रुपए। यकीनन कि जिस तरह से आईटी कोर्सेज ईद उल अज़हा के मौके पर और ईद फितर के मौके पर जिस तरह से गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए गए और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से बड़ी बड़ी तादाद अवामुन नास की मौजूद है और सबको मुनसफाना तरीके से जिस तरह से ये राशन तकसीम किए जा रहे हैं, राशन दिए जा रहे हैं, उसके साथ गोश्त भी दिया जा रहा है और जिन लोगों के कार्ड बन गए हैं उनको अगर बताया जाता है कि उन कार्डों के जरिए मजीद और लोगों को राशन और दीगर जो अशिया है वो तकसीम की जाएगी। और ख़ासतौर पर मैं बताता चलूँ कि आई टी के हवाले से कहा कि आई टी 1 लाख लोगों को आई टी कोर्स कराना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अलावा भी मजीद और काम कराना चाहते हैं। जी।